और अब नजर डालते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे का करीबी गुड्डन त्रिवेदी गिरफ्तार हो गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से इसे गिरफ्तार किया है। ड्राइवर सुशील तिवारी भी पुलिस की कस्टडी में है। एटीएस पुणे यूनिट ने इसे गिरफ्तार किया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ 6 लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, 13 लोग वांछित यूपीएसटीएफ ने बताए थे और 3 की गिरफ्तारी हुई है। और अब उसी में यह आंकड़ा बढ़ गया है, एटीएस पुणे यूनिट ने गिरफ्तार किया है विकास दुबे के करीबी को, गुड्डन त्रिवेदी जिसका नाम है, उसे गिरफ्तार किया गया है महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा। विकास दुबे का करीबी माना जाता है गुड्डन त्रिवेदी, जिसको ठाणे से गिरफ्तार किया है एटीएस ने। इसके अलावा ड्राइवर सुशील तिवारी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। एटीएस पुणे यूनिट ने यह गिरफ्तारी की है। तो 2 अहम गिरफ्तारियां और हुई हैं इस मामले में। महाराष्ट्र एटीएस ने इन दोनों को थाने से पकड़ा। Had received information regarding one accused on the run and has come to Mumbai Thane area looking for a hideout. ATS Maharashtra has apprehended this wanted accused Guddan Trivedi today along with his driver from Polchet Thane area. Uttar Pradesh police is being informed about the same. ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, गणेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश, कैसे पहुंची एटीएस, क्या इनपुट मिले थे उसको और कहां से, क्या दोनों की गिरफ्तारी साथ हुई है या अलग अलग जगहों से ये पकड़े गए? साथ ही दोनों की गिरफ्तारी हुई है, गाड़ी में ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठाणे के कोल्डशेड परिसर में ये छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे, यानी कहीं होटल या लॉज में जाने की कोशिश कर रहे थे। और यही जानकारी महाराष्ट्र एटीएस को मिली थी कि 2 व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और संभवतः वो इस केस में वांटेड हैं, वो घूम रहे हैं होटल या लॉज की तलाश में। महाराष्ट्र एटीएस ने दबिश की और इन दोनों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद तुरंत ही जो लिस्ट उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से तमाम राज्यों की पुलिस को दी गई थी वांटेड आरोपियों की, उनमें से गुड्डन तिवारी और अरविंद तिवारी इसकी पहचान हुई। और साथ में सुशील तिवारी जो उसका ड्राइवर था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब ट्रांजिट रिमांड पे यूपीएसटीएफ को इसकी जानकारी दी गई है। ट्रांजिट रिमांड पे इनको यूपी पुलिस के हवाले किया गया। गुड्डन विकास दुबे का बेहद करीबी साथी था और इसके ऊपर भी 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। तो ऐसे में इसकी गिरफ्तारी काफी अहम है क्योंकि कई सारे लोग इस केस के जो वांटेड थे वो भाग रहे थे। और ये विकास दुबे के साथ फरीदाबाद से एमपी और एमपी न रुकते हुए महाराष्ट्र बॉर्डर में इसने एंटर किया और थाने ये पहुंचा था जब इसे एटीएस से गिरफ्तार किया। गणेश, इस बारे में कोई खबर मिल पाई है कि अभी तक जो पूछताछ हुई है, मतलब जिस रात ये शूट आउट हुआ था, क्या ये लोग भी मौके पर मौजूद थे, उन्हीं में से एक है जो विकास दुबे के साथ भागे और ये लोग महाराष्ट्र निकल आए? जी बिल्कुल, गुड्डन तिवारी ने कबूला है कि उस रात ये उस जो पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, उसमें शामिल था, इसलिए इसको आरोपी किया गया था। और ये ड्राइवर जो था, उस ड्राइवर को ये अपने साथ ले आया। एक दो दिन ये कानपुर के आसपास के परिसर में ही रहा था और बाद में जब विकास दुबे और ये दोनों साथ में जब भागे तो उसके बाद तरफ किया और विकास दुबे जो है वो एमपी उज्जैन की तरफ पहुंचा। तो ये साथ गए थे लेकिन वहां से ये आगे गया और विकास दुबे उज्जैन रह गया था। तो इसकी गिरफ्तारी काफी अहम है क्योंकि इसको जिन जिन लोगों ने इन्हें मदद की थी विकास दुबे को शरण देने में या मदद लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, उन लोगों की जानकारी इसके पास होगी तो पुलिस के लिए केस और मजबूत हो सकेगा इसकी जानकारी के आधार पर। जी हाँ बिल्कुल। और कब तक इनको एसटीएफ को हैंडओवर कर दिया जाएगा, प्रक्रिया में कितना वक्त लग जाएगा गणेश? तकरीबन देखिए, यूपी एसटीएफ को इत्तला किया गया है, लॉकडाउन चल रहा है, फ्लाइट्स मुंबई में आने वाली जो है वो बहुत कम है, तो जो भी पहली फ्लाइट होगी उसमें यूपी एसटीएफ के अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और तुरंत इनको, इन दोनों को जो है वो पुलिस के हवाले किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड के लिए संभवतः आज शाम को ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और जब भी आज रात या कल सुबह जब यूपी एसटीएफ की टीम पहुंचेगी तो ट्रांजिट रिमांड पर इन दोनों को उनकी कस्टडी दी जाएगी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, बिकरू गांव में आरएएफ को तैनात किया गया है। विकास दुबे के घर आरएएफ की तैनाती हुई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं वो घर जिसको पुलिस ने जमींदोज कर दिया, अब वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है।
कानपुर का बिकरू गांव जहां पर किलेनुमा घर था विकास दुबे का, और यहीं पर 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। ताबड़तोड़ गोलियां अपने साथियों के साथ मिलकर बरसाई थी विकास दुबे ने, और उसी के आसपास अब आरएएफ की तैनाती की गई है। संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, आखिर क्या जरूरत पड़ी आरएएफ की और क्यों इनको यहां पर तैनात किया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल विकास दुबे को मुठभेड़ में मार दिया गया, उसके बाद अब गांव में आरएएफ की वो तैनात की गई है। जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ग्रामीणों के बीच में खाकी का जो श्रद्धा होनी चाहिए या खाकी के प्रति जो विश्वास होना चाहिए उसको कायम करने के लिए आज मीटिंग की गई है। लिहाजा जो पुलिसकर्मी है उनको गाँव के बाहर तैनात किया गया है, और वहाँ की जिंदगी है वो फिर पटरी पर लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि लगातार गाँव की अगर बात की जाए तो जिस तरह का दहशत का मामला, लोग घरों में निकल रहे थे, दूर अपने काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब उस पटरी पर लाने की कोशिश करी जा रही है। और सुरक्षा की तरफ से एहतियातन जो है वो वहाँ पर आ रहे हैं, उनको तैनात किया गया। जी जी हाँ बिल्कुल, और ताजा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं बिकरू गांव की, जहां पर आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। शुक्रिया प्रभात अपडेट के लिए। तो पूरे मामले में दो नई गिरफ्तारियां हुई हैं महाराष्ट्र से, अब जल्दी यूपीएसटीएफ को उन्हें भी सौंप दिया जाएगा। पूरे मामले के तार जो यहां वहां फैले हुए हैं उन सबको जोड़कर तह तक पहुंच रही है पुलिस, और अब देखना होगा कि क्या जानकारियां उससे मिल पाती हैं। उधर कानपुर कांड के मुख्य आरोपी के ढेर होने के बाद भी पुलिस लगातार एक्शन में है। अभी भी विकास के फरार गुर्गों की तलाश की जा रही है। कानपुर कांड के दो आरोपियों को पनाह देने के मामले में पुलिस ने ग्वालियर के दो लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं कानपुर में विकास के बिकरू कस्बे में पुलिस घूम रही है। साथ ही वारदात के वक्त लूटे गए हथियारों को लेकर मुनादी कराई जा रही है कि जिसके पास लूटे गए हथियार हैं वो 24 घंटे के अंदर उन्हें जमा कर दें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए अनाउंसमेंट। हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है। अरे भाई साहब, 2-3 जुलाई 2020 की घटना जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिनके हथियार बदमाशों द्वारा छीन लिए गए हैं। जिस भी सज्जन को इन हथियारों की सूचना, हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है। अरे भाई साहब, खड़े हो जाओगे। 2-3 जुलाई 2020 की घटना जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिनके हथियार बदमाशों द्वारा छीन लिए गए हैं। एक और अहम खबर आपको बता दें, इस बीच विकास दुबे का एक नया वीडियो सामने आया है। एबीपी गंगा के पास विकास का डांस करते हुए एक वीडियो आया है, और बताया जा रहा है कि अमर दुबे की शादी का ही ये एक फंक्शन है जिसका ये वीडियो हो सकता है, जहां एक गाने पर जमकर थिरकता दिख रहा है विकास दुबे और उसका साथी अमर दुबे। आपको बता दें कानपुर में विकास और हमीरपुर में अमर दुबे मारे जा चुके हैं। एक ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।